पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर और तहरीक इंसाफ पार्टी के मुखिया इमरान खान पाकिस्तान में सैन्य शासन के समर्थन में हैं। इमरान ने पीओके में कहा कि अगर सेना देश की कमान अपने हाथों में लेती है तो पाकिस्तान के लोग जश्न मनाएंगे। तुर्की के राष्ट्रपति अदौरगन की तारीफ करते हुए इमरान ने कहा कि तुर्की के लोगों ने अदौरगन का समर्थन इसलिए किया क्योंकि वो जनता की सेवा कर रहे हैं, जबकि नवाज शरीफ लोगों पर बोझ है। प्रेसिडेंट अर्दोगान था, उसने अवाम के लिए खिदमत की थी। उसने सबसे पहले तुर्की के सारे कर्जे खत्म किए। मुकलूस था तुर्की जिस तरह आज पाकिस्तान है। कर्जे खत्म किए, मुल्क की दौलत को बढ़ाया, खुशहाली लेके आया आवाम के लिए। 5% 5 गुना तालीम के ऊपर पैसा ज्यादा खर्च किया। अवाम के अपने कौम के बच्चों की तालीम के ऊपर पैसा खर्च किया 5 गुना ज्यादा, दुगनी यानी जो यूनिवर्सिटीज थी 2 गुना ज्यादा। तुर्की में यूनिवर्सिटीज बनाई, अस्पताल ठीक किए। उसने ग्रीन कार्ड यानी कि एक इंश्योरेंस दिया कि कोई भी गरीब आदमी अस्पताल में जाके अपना मुफ्त इलाज करवा सकता था। उसने तुर्की का जो रुपया था तुर्की का, उसकी कीमत बढ़ाई, कीमत गिरी नहीं, बैठे बैठे लोगों की दौलत बढ़ गई। जब तुर्की के लीरा जो कहते हैं रुपए की कीमत बढ़ी, यानी के अवाम उस हुकूमत उस जमहूरी हुकूमत के साथ खड़ी होती है जो अवाम की खिदमत करता है। लिहाजा जब उनके कई फौजियों ने हुकूमत गिराने की कोशिश की, अवाम अपनी हुकूमत के साथ सड़कों पे आ गई। ये नहीं कि उनका प्राइम मिनिस्टर कोई फरिश्ता है, उसने भी बड़ी गलतियां की हैं, लेकिन जब एक हुकूमत अवाम की खिदमत करती है, अवाम उसके साथ खड़ी होती है। पाक के कब्जे वाले कश्मीर के इस्लामगढ़ में रैली को संबोधित करते हुए इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान के लोकतंत्र को नवाज की राजशाही से खतरा है। ऐसे में पाकिस्तान की सत्ता आर्मी के हाथ में जाती है तो लोग खुशी में मिठाइयां बांटेंगे। वही मुझे ये बताएं, आप सब यहां खड़े हैं, कि अगर पाकिस्तान में फौज आ जाए तो क्या होगा? मिठाइयां बांटी जाएंगी, लोग खुशियां बनाएंगे, लोग जश्न बनाएंगे। क्यों? क्योंकि एक वो वजीर आजम जिसने अपने मुल्क की दौलत बढ़ाई, एक वजीर आजम है जिसने अपनी जाती दौलत बढ़ाई, मुल्क को लूटा, पैसा बाहर लेके गया, कौम को गरीब किया, खुद अमीर हुआ। हमारी जमहूरियत को पाकिस्तान में फौज से खतरा नहीं है, हमारी जमहूरियत को नवाज शरीफ की डिक्टेटरशिप से बादशाह से खतरा है, हमारा खतरा हो रहा है। गौरतलब है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ इस साल नवंबर में रिटायर होने वाले हैं। शरीफ पाकिस्तान में सबसे लोकप्रिय आर्मी चीफ हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान में भ्रष्टाचार और आतंकवाद के खिलाफ सख्त अभियान चलाया। जनरल राहिल के रिटायरमेंट को लेकर पाकिस्तान में हंगामा मचा है। कई राजनीतिक धड़ों के बीच से मांग उठ रही है कि जनरल राहिल शरीफ को अपना कार्यकाल बढ़ा लेना चाहिए, हालांकि जनरल शरीफ ने इससे इनकार कर दिया है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।